हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 टिप्स ऑन स्ट्रीट फोटोग्राफी और उसकी कैमरा सेटिंग्स के बारे में। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि सर, ये स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या होती है और इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है हमें अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप एक बिगनर फोटोग्राफर हैं तो ये सबसे अच्छा ज़रिया है कि आप अपनी फोटोग्राफी को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो एवरी डे यू शुड डू स्ट्रीट फोटोग्राफी सो यू कैन इम्प्रूव योर फोटोग्राफी स्किल्स। तो मैं बताऊँगा कैसे फ्रेंड्स। अब स्ट्रीट फोटोग्राफी में जो 5 टिप्स हैं वो ये हैं फ्रेंड्स। जो मेरा पहला टिप है वो ये है फ्रेंड्स कि हमेशा आपको जो है एक कैमरा और एक बॉडी यूज़ करनी है। ज़्यादा तामझाम लेके चलने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, वन कैमरा एंड वन लेंसेज इनफ। तो आज मैं अपना स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ निकॉन D800E और जो मेरा लेंस है वो है 24-70 f/2.8 लेंस। ये लेंस मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैं इसमें हर तरह के शॉट्स ले सकता हूँ, चाहे वो फिर वाइड एंगल शॉट्स हों या फिर पोर्ट्रेट्स हों या हेड शॉट्स हों या फिर कोई भी इंटरेस्टिंग इमेजेस है वो मैं इस लेंस पे शूट कर सकता हूँ। अगर आपके पास ये लेंस नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप 50mm से भी जो है अपनी स्ट्रीट फोटोग्राफी की शुरुआत कर सकते हैं। और स्ट्रीट फोटोग्राफी में एक बेनिफिट ये भी है फ्रेंड्स कि जब भी आप इमेजेस अपनी शूट करते हैं तो आप हर तरह के सब्जेक्ट्स को हर लाइटिंग कंडीशन में आप शूट कर सकते हैं। इससे आपकी फ्रेमिंग इंप्रूव होती है, आपकी कंपोजिशन इंप्रूव होती है, आपको डिफरेंट लाइटिंग सेटअप में काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है और आप देख पाते हैं कि आपकी फोटोग्राफी किस लेवल पे जा रही है। और आज का मेरा जो दूसरा टिप है फ्रेंड्स वो ये है कि हमेशा जो है आप स्ट्रीट फोटोग्राफी में कोई भी इंटरेस्टिंग प्लेस ढूंढिए, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स ढूंढिए, इंटरेस्टिंग पीपल ढूंढिए या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको लगे कि आपकी फोटोग्राफ बहुत अच्छी लगेगी उसे शूट करने पर। फिर वो चाहे किसी इंसान का हेड शॉट हो या फिर कोई प्लेस ऐसी हो जहाँ पर आप एक अच्छी सी कंपोजिशन कर सकते हो और आप उस चीज़ को बिल्कुल अपनी फोटोग्राफ के अंदर अच्छे से उतार सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए। तो मेरा जो दूसरा टिप है फ्रेंड्स वो यही है कि फाइंड गुड सब्जेक्ट्स, गुड पोर्ट्रेट्स, गुड प्लेसेस, गुड लोकेशंस एंड एनीथिंग जो भी आपको वो अट्रैक्ट करे। और जो मेरा आज का तीसरा टिप है फ्रेंड्स वो ये है कि आप अपनी स्ट्रीट फोटोग्राफी में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी ज़रूर कीजिए, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो है वो एक आपकी बिल्कुल एक अलग लुक देती है आपकी फोटोग्राफ्स को, एक अलग लेवल पे लगती है ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स। थोड़ा विंटेज लुक भी आपको मिलता है, थोड़ा पुराने टाइम की पिक्चर्स भी आपको देखने को मिलती है, प्लस आपके जो इमेज है उसमें काफ़ी सारा ड्रामा भी क्रिएट होता है अगर आप अच्छी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करते हैं तो। और मेरी जो फोर्थ टिप है फ्रेंड्स वो ये है मेरी चौथी टिप कि आप स्ट्रीट फोटोग्राफी में ज़्यादातर आप शूट करिए अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे या फिर शटर प्रायोरिटी मोड पे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि क्योंकि हम मैनुअल सेटिंग्स में वैसे अच्छा होता है काम करना, लेकिन कई बार जब हम स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं तो ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं होता है मैनुअल सेटिंग्स करने का। तो अगर आप सॉरी फ्रेंड्स, वी आर शूटिंग एट इन स्ट्रीट तो ये सब प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि टाइम नहीं होता है हमें स्ट्रीट फोटोग्राफी में मैनुअल सेटिंग्स करने का, तो बेटर है आप अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे शूट कीजिए। उससे आपको अच्छी प्रैक्टिस भी मिलेगी, अगर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करनी है तो आप वो कर सकते हैं, या आपको पूरा शॉट दिखाना है तो आप जो है लो अपर्चर पे यानी कि 16-22 के आसपास भी शूट करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से सारा सीन जो है अच्छे फोकस में मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर आपको एक्शन फ्रीज करना है तो आप शटर प्रायोरिटी मोड पे आप शूट कर सकते हैं। सो मेरा जो चौथा टिप था फ्रेंड्स वो यही था कि जो है आप हमेशा शटर प्रायोरिटी या अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे शूट करें। और जो मेरा आखिरी टिप है फ्रेंड्स वो ये है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर आप एक बिगनर फोटोग्राफर हैं तो स्ट्रीट फोटोग्राफी से अच्छी प्रैक्टिस आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। आप रोज़ आप एक घंटा सुबह उठ के जो है आप कहीं भी जाइए और कोई भी सब्जेक्ट्स को जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे आप उसे शूट कीजिए। तो ये जो फिफ्थ मेरी जो टिप है फ्रेंड्स ये सभी फोटोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जितनी फोटोग्राफी आप करेंगे, चाहे वो किसी आप इंसान का पोर्ट्रेट ले रहे हो, हेडशॉट ले रहे हो, या कोई प्लेस को आप अच्छे से शूट कर रहे हो, या किसी भी तरह के इवेंट को आप कवर कर रहे हो, या आप कहीं भी हो कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ कवर कर रहे हो, इसमें आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा कि आपकी कंपोजिशन, आपकी फ्रेमिंग, आपको लाइटिंग के बारे में जो है अच्छे से प्रैक्टिस करने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई क्लाइंट के लिए आप काम नहीं कर रहे हो, आप अपनी फोटोग्राफी जो स्किल्स हैं आप उसे इम्प्रूव कर रहे हो। तो चलिए जो पांचों टिप है अब हम इसे प्रैक्टिस में लेके आएंगे और अब कुछ पिक्चर्स आज शूट करेंगे ताकि आप देख पाएं कि आज जो इमेजेस हम शूट कर रहे हैं ये 5 टिप को फॉलो करते हो तो हमें किस तरह की इमेजेस मिलती हैं। चलिए अब हम एक शॉट लेते हैं और हम अपनी जो है पहली टिप है उसे अप्लाई करते हैं, यानी कि मैं एक कैमरा एक लेंस के साथ में शूट कर रहा हूँ, 24-70 के साथ में शूट कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि एक टेलर है यहाँ पे जिनकी शॉप है, काफ़ी सारे आप दर्जी देख रहे हैं जो कपड़ा सेल रहे हैं। तो थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैंने सोचा एक पिक्चर हम इनकी यहाँ पर लेते हैं इस तरह से, और ये पिक्चर जो है मैं ब्लैक एंड वाइट पे लूँगा। मेरी जो कैमरा सेटिंग है इस वक्त और मेरा जो अपर्चर है वो है f8 और मेरी जो ISO है इस वक्त वो करीब है 1600 के आसपास। तो चलिए ये शॉट हम लेते हैं और देखते हैं कि ये शॉट हमें किस तरह से मिलता है।
So friends, let me compose this shot. बहुत ही अच्छा शॉट मिला है फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है और काफी ड्रामेटिक शॉट मिला है, नेचुरल शॉट मिला है। एक और पिक्चर हम लेते हैं यहाँ पे। वेरी गुड, नाइस शॉट फ्रेंड्स। चलिए आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैंने किस तरह का शॉट लिया है। सो इस तरह के आपको सब्जेक्ट्स जो है फ्रेंड्स, ये आपको थोड़े से आपको इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं काका जो है सब्जी बेच रहे हैं और काका का एक हम ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा सा एक पोर्ट्रेट लेंगे और मैं भी अपर्चर प्रायोरिटी मोड में शूट कर रहा हूँ यहाँ पे और मैंने करीब अपना अपर्चर रखा है F10 के आसपास और ISO मैंने रखा है अपना ऑटो पे रखा है, तो कैमरा डिसाइड करेगा उसको लाइट कितनी चाहिए और मैं अभी अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे शूट कर रहा हूँ ताकि मुझे अच्छे से फोकस मिले। तो चलिए काका का हम एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर लेते हैं। काका लेंस में देखिए, देखिए बहुत ही अच्छी हमें पिक्चर मिली है, ब्यूटीफुल लाइटिंग फ्रेंड्स। सो ये एडवांटेज होता है स्ट्रीट फोटोग्राफी का, आपके कोई लाइबिलिटी नहीं है और आप अपने फ्रेम पे, अपने कंपोजिशन पे, अपने सब्जेक्ट पे जो है आप अच्छे से काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब हम दूसरी लोकेशन पे चलते हैं। अब हम एक साइकिल की शॉप पर आ गए हैं, ये साइकिल रिपेयर होती है यहाँ पे, तो एक पूरा एक शॉट लेते हैं हम इस पूरा शॉप का ब्लैक एंड व्हाइट में। तो इसके लिए मैंने जो अभी कैमरा सेटिंग अपना रखा है फ्रेंड्स, ये मैंने रखा है ISO 400 और मैं शटर प्रायोरिटी मोड पर शूट कर रहा हूँ, तो मैंने शटर स्पीड रखी अपनी करीब 50 और ये जो मेरा आप देख रहे हैं अपर्चर जो है वो देखते हैं किस पे हमें कितना हमें मिलता है। सो फ्रेंड्स लेट्स टेक द शॉट एंड देखते हैं शॉट कैसा आता है ये। फ्रेंड्स एक शॉट और हम लेते हैं इनका। ये देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कितना अच्छा हमें शॉट मिला है। सो काफी अच्छा शॉट मिला है फ्रेंड्स हमें यहाँ पे। चलिए अब चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट को ढूंढते हैं हम। तो अभी हम एक मीट शॉप पे आए हैं और इस मीट शॉप पे हम देख रहे हैं कि यहाँ काका बैठे हैं। काका क्या नाम है आपका? अब्दुल भाई। अब्दुल भाई हैं, अब्दुल रौफ, अब्दुल रौफ जी हैं हमारे सामने। तो इनका एक छोटा सा हम पोर्ट्रेट लेंगे। तो इस वक्त जो मेरी कैमरा सेटिंग्स है, मैंने अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे मैं शूट कर रहा हूँ और मैंने अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे जो है 6.3 के आसपास मैंने अपना अपर्चर रखा है, तो देखते हैं हमें शटर स्पीड क्या मिलती है। और ISO जो है वो 100 है, तो चलिए हम एक रौफ भाई का फोटो लेते हैं। ब्यूटीफुल। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना अच्छा फोटो है। हो सकता है मेरा थोड़ा हाथ शेक हुआ, तो मैं एक और फोटो ले लेता हूँ। सो 2470 पे आप देख रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा हेडशॉट भी मिल रहा है। सो 2470 ऑल टाइम लेंस है, इससे आप वाइड एंगल, पोर्ट्रेट, हेडशॉट्स कुछ भी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको पिक्चर पसंद आया होगा। चलिए चलते एक और अगली लोकेशन पे। अब हम जो है मुंबई के फिश मार्केट में आ गए फ्रेंड्स और फिश मार्केट में हम थोड़ा शूट करेंगे। तो अभी मेरी जो कैमरा सेटिंग है, ये मैंने रखा है इसको अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे और करीब 18 पे मैंने रखा है अपना, ताकि मैं पूरा वाइड एंगल शॉट ले सकूं और पूरा मार्केट जो है वो हम अच्छे से क्लिक कर पाएँ। और ये पिक्चर मैं जो कलर लूँगा फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि ये पिक्चर आपको पसंद आएगी। सो आई एम टेकिंग फुल इमेज फ्रेंड्स और अभी जो शटर स्पीड है करीब ये 6 दिखा रही है, तो ट्राईपॉड नहीं है मेरे पास, देखते हैं इमेज ज़्यादा नॉइज़ या शेक ना हो, देखते हैं कैसा शॉट मिलता है। एक और लेते हैं शॉट। ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जो है हमें बहुत अच्छा वाइड एंगल शॉट मिला है। चलिए कुछ पिक्चर हम फिश की भी ले लेते हैं एक बार। सो फ्रेंड्स अब जो है कुछ इमेजेस फिश की ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे सेम 18 मेरी जो है अपर्चर है और करीब 5 दिखा रहा है शटर स्पीड और ISO करीब 800 है। तो आप देख सकते हैं कि हमें जो फिश की इमेजेस हैं बहुत ही अच्छी मिली है फ्रेंड्स। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है फ्रेंड्स कि जब भी हम स्ट्रीट फोटोग्राफी करें तो आप ऐसे सब्जेक्ट ज़रूर ढूंढिए जो थोड़े इंटरेस्टिंग हो, जहां आप अच्छे से फ्रेमिंग में प्रैक्टिस कर सकते हो और आप चाहे शटर स्पीड मोड पे शूट करें या फिर आप अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे शूट करें, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए। और स्ट्रीट फोटोग्राफी जैसा कि मैंने कहा प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। आप रोज़ अपना कैमरा और लेंस लेके बाहर जाइए, अलग अलग अपर्चर पे, कभी शटर प्रायोरिटी मोड पे, कभी अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे, कभी मैनुअल मोड पे, अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस के अंदर जो आप जो है फोटोग्राफी की प्रैक्टिस कीजिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए और हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब नाउ का बटन देख रहे हो उसे प्रेस कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिलता है कि आज हमारा नया वीडियो रिलीज हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ।